तो इतना जब फेम मिल गया, इतना नाम हो गया, अगर मेरे साथ ऐसा होता 18 साल की उम्र में, तो मेरे घर वाले कहते हो शादी करा दो, जो घर में बुआ होती हैं, जो बुआ होती, बुआ का क्या काम क्या होता है, अपने भतीजे की शादी कराना। तो तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर अभी से तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार। तो अब अगला तुम्हारा एक और रियलिटी शो आने वाला है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खतरों के खिलाड़ी, ये बंदा किसी चीज से नहीं डरा यार, एक्टिंग में नंबर वन, डांस में नंबर वन, अब बारी है खतरों से खेलने की। तो कभी डर लगता है, तुमने देखा होगा खतरों के खिलाड़ी बहुत मुश्किल है ये कॉम्पिटिशन, तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार स्टंट्स कैसे होंगे वो, बिकॉज डांस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट जोन, खतरों के खिलाड़ी इज कंप्लीटली डिफरेंट जोन। सी मैं अभी तक अंडर एज हूँ, मतलब अभी तक अंडर एज था। खतरों के खिलाड़ी के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने कभी उसे सीरियसली लिया ही नहीं कि मुझे मुझे चांस मिलेगा तो मैं करूंगा या नहीं करूंगा। बट इतना था कि जब भी चांस मिलेगा मैं इसे जरूर करूंगा, और अभी वो चांस मिला है। तो मुझे खुद को नहीं पता मैं कौन से स्टंट से डरता हूँ या मेरा फोबिया क्या है, लेकिन वहां जाके सब पता चलेगा। तो जैसे ही मैंने डांस में कदम रखा, एक्टिंग में कदम रखा, वैसे ही स्टंट में भी ऐसे ही कदम रखूंगा, और आप लोगों का दिल फिर से जीतने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल होगा। और